माँ भगवती स्कंद माता का स्वरूप पांचवा दिव्य स्वरूप और भव्य स्वरूप है। चार बार जल के छींटे दे, पाद्युपाद्यम हस्त्योरिज्ञम मुखी आत्मजलम सर्वांगी स्नातम जलम, शरीर पूरे शरीर को अष्टान कराना, फिर पंचामृत का अष्टान कराएं, फिर जल का छींटा दे, फिर एक सुंदर मौली पहनाएं, तिलक लगाएं भगवती माँ को जो है, तो आप नारंगी रंग जो है स्वयं धारण करें, ये क्रीम कलर का वस्त्र भी आप धारण कर सकते। विशेष जो है पूजा विद्यार्थियों के लिए है, भगवती माँ जो है अज्ञान को ज्ञानवान कर देती है। दर्शकों जय माता दी, सिंहासनाम गताम नित्यम पदमाचित्त करत्वया शुभदा सुदा देवी स्कंद माता यशस्विनी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माता दिव्यै नमः। नमस्कार, नवरात्रि स्पेशल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं परिणा। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित आचार्य विष्णु शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद देवी, जय माता दी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आज भगवती माँ के पांचवे स्वरूप का दिन है, यानी कि स्कंद माता का, जिनका मंत्र जो है पंडित जी ने सुनाया। अब इसके फायदे क्या होंगे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पंडित जी सबसे पहले बताइए कि इन माता का उपासना इनकी कैसे करनी है। जी, माँ भगवती स्कंद माता का स्वरूप पांचवा दिव्य स्वरूप और भव्य स्वरूप है। भक्तगण माँ का जो पूजन करते हैं, इससे जो है सबसे पहले जो है भक्तों को जो है इससे जो है आयु की वृद्धि होती है, स्वास्थ्य आयु आरोग्यता प्राप्त होता है, रोग निवारण को देने वाली माँ स्कंद माता है। माँ भगवती का पूजन करने का बहुत सरल तरीका, भगवती माँ को जो है चार बार जल के छींटे दें, पाद्युपाद्यम हस्त्योरिज्ञम मुखी आत्मजलम सर्वांगी स्नातम जलम, शरीर पूरे शरीर को अष्टान कराना, फिर पंचामृत का अष्टान कराएं, फिर जल का छींटा दें, फिर एक सुंदर मौली पहनाएं, तिलक लगाएं भगवती माँ को जो है, और लाल फूल भगवती माँ को जो है लाल फूल धारण करें, हार लाल फूल जो है भगवती माँ को जो है समर्पण करें, और फल और मीठा अर्पण करें, और भगवती माँ को भेंट अर्पण करें, उसके पश्चात जो है आरती करें। और भगवती माँ का विशेष जो भोग जिससे भगवती माँ प्रसन्न होती है, ये भोग है भगवती माँ का विशेष भोग है केले के फल। केले से माँ भगवती शीघ्र ही प्रसन्न होती है, केले के फल से जो है इस प्रकार से करें, और जो भी अपनी मन की कामना हो माँ भगवती से प्रार्थना करें, और बीज मंत्र से। मंत्र तो बहुत दिव्य और भव्य हैं, बड़े बड़े मंत्र हैं, लेकिन तीन प्रकार के मंत्र हैं, वैरिक मंत्र, लौकिक मंत्र और बीज मंत्र। बीज मंत्र का बड़ा प्रभाव है, इसलिए बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताये नमः। इस मंत्र का जाप करें, जो भी इच्छा हो भगवती माँ अवश्य पूर्ण करती है। कितने बार इस मंत्र का जाप करें पंडित जी? कम से कम जो है 11 माला तो करें, और रोज ही करें नवरात्रि में जो है, आज से स्कंद माता से और नवमी तक जो है इस मंत्र का पाठ करें, जितना अधिक से अधिक जो है अधिक से अधिक फलम। जी पंडित जी, आज के दिन हमारे दर्शकों को कौन से रंग के वस्त्र पहनने चाहिए? जी, भगवती माँ स्कंद माता का जो सबसे प्रिय वस्त्र है जिससे भगवती माँ प्रसन्न होती है, वो वस्त्र है, उसका रंग है नारंगी रंग, तो आप नारंगी रंग जो है स्वयं धारण करें, ये क्रीम कलर का वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं, उससे माँ भगवती प्रसन्न होती है। जी, और फायदा आज के दिन क्या क्या लाभ जो है हमारे दर्शकों को मिलेगा? जी, भगवती माँ जो है अज्ञान को ज्ञानवान कर देती है, ये सबसे बड़ा फायदा है। ये विशेष जो है प्रयोग या विशेष जो है पूजा विद्यार्थियों के लिए है। कालिदास वे कितने बड़े मूर्ख थे, उन्होंने भगवती माँ स्कंद माता की पूजा ही तो की, तभी उन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, रघुवंश महाकाव्यम, मेघदूत महाकाव्यम, ऐसे बड़े बड़े काव्य लिखे भगवती माँ कृपा से। कहते थे जो है अपना इतना जो है करके जो है कालिदास जी कितने मूर्ख थे, लेकिन भगवती माँ ने कृपा की, इतने बड़े ग्रंथ लिखने जो है बड़ा भगवती माँ कृपा ही तो ही है, इसलिए जो है विशेष जो है मतलब जो है पूजा का फल है विद्यार्थियों के लिए। और आज के दिन क्या नहीं करना चाहिए? जी, सबसे पहली बात क्योंकि आज के दिन जो है विद्यार्थियों को जो है विशेष करके जो है कोई पुस्तक दान कर लें, बहुत उत्तम है।
दूसरी बात, जो लोग भी भक्तगण इसका व्रत करते हैं नवरात्रि का, स्कंद माता का, उनको छोर कर्म नहीं करना। छोर कर्म यानी कि हजामत, दाढ़ी इत्यादि, नाखून बनाना, बाल कटिंग करवाना, ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो स्कंद माता जी हैं, बुध ग्रह को नियंत्रण करती हैं, और जीवन में बुध करियर में सबसे बड़ा योगदान है बुध ग्रह का। भगवती माँ नियंत्रण करती है, उनके हाथ में लगाम है और बुध से फल मिलता है, देने वाली माँ है। तो इसलिए जो है विशेष जिसको भी अपने करियर में जो है कामयाबी पानी है, वो स्कंद माता की तपस्या करें, प्रसन्न करें, रिजाही माँ भगवती को वरदान मांगे और माँ वरदान देगी और हम सबका कल्याण होगा। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। जय माता दी। नवरात्रि स्पेशल की और वीडियोस के लिए बने रहिए ट्रू स्कूप के साथ।